मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 15 साल पहले एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया था। जासूस अब्बास अली उर्फ माजिद खान को साल 2006 में पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब से ही अब्बास ग्वालियर के सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। इसकी सजा मार्च 2020 में पूरी हो गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये पाकिस्तान नहीं लौट सका था, इसलिए अब इसकी वतन वापसी हो रही है। आपको बता दें कि अब्बास अली ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र की नई सड़क पर बुलंदशहर निवासी माधव सिंह बनकर रह रहा था। इंदरगंज पुलिस ने अब्बास अली को 13 मार्च 2006 को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से सैन्य ठिकानों के नक्शे, सिम कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड समेत करीब 58 दस्तावेज बरामद किए थे। पूछताछ में अब्बास अली ने बताया था कि वो ISI एजेंट फैयाज के कहने पर ग्वालियर में वायुसेना और थल सेना के ठिकानों की जासूसी करने आया था। इस आरोप में हाईकोर्ट ने अब्बास अली को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई थी और साथ ही आदेश दिया था कि सजा पूरी होने के बाद उसे अटारी बॉर्डर पर छोड़ दिया जाए और पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। अब्बास हमारे यहाँ मार्च 2006 में इंदरगंज थाने के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिर इसके बाद ये अंडर ट्रायल में रहा, फिर इसका केस चलता रहा जासूसी के आरोप का। फिर इसको न्यायालय द्वारा 14 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। उसकी 14 वर्ष की सज़ा 26 मार्च 2020 को पूर्ण हो गई थी, बट क्या कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल के कारण हमारी प्रशासन व्यवस्था कोरोना व्यस्त थी, इसके कारण इसको रिहा तो कर दिया लेकिन डिटेंशन सेंटर बना के इसको जेल में रखे रहे। और कल इसको हमारे पुलिस द्वारा इसको अटारी जो बॉर्डर है वहाँ इसको भिजवा दिया गया है। वहाँ पर जो भी क्लियरेंस होगा, जो भी कार्रवाई होगी कागजी कार्य, उसके तत्पश्चात वहाँ पाकिस्तान के अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। मार्च में सजा पूरी होने के बाद भी कोरोना के चलते अब्बास की वतन वापसी नहीं हो पाई तो उसे जेल में ही डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। अब्बास ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाकर पाकिस्तान भिजवाने का निवेदन किया था। इसी बीच विदेश मंत्रालय की ओर से अब्बास की पाकिस्तान जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई और उसे जेल से ग्वालियर पुलिस के सुपुर्द किया गया, जहां से भारी सुरक्षा के बीच पुलिस अब्बास को लेकर अटारी बॉर्डर रवाना हो गई।